आज से 5 वर्ष पूर्व जब तक मैंने पूरा मेवाड़ का इतिहास नहीं पढ़ा था, मैं भी मानसिंह जी को हेय दृष्टि से ही देखता था। इसका मैं दोषी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आज बिल्कुल उल्टी दिशा में आ गया हूं कि मानसिंह जी तो कट्टर हिंदू थे, और पुस्तक में मैंने इस बात को लिखा, हिंदुओं के रक्षक। उसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हिंदुओं की तकलीफ क्या है? हिंदुओं को कष्ट ये कि हमारे प्रताप के सामने मानसिंह जी खड़े थे। यही हमारी बाधा है। हम तो नहीं, हम प्रताप के तरफ है। देखो, हम मूलतः हम प्रताप की तरफ है, तो जो प्रताप के सामने वो हमको शत्रु लगेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें और थोड़ी करुणा से देखें, मानसिंह जी वहां किस आधार से खड़े थे? मुसलमानों के साथ समझौता उनके दादा भारमल ने किया था। भारमल का भी परिस्थिति हमको सोचनी पड़ेगी। जब भारमल ने किया था 1530-40 के आसपास, तब तक सांगा की हत्या हो चुकी थी। जब सांगा जीवित थे तो इसी जयपुर के पृथ्वीराज कछावा ने उनके साथ खानवा का युद्ध लड़ा था मुसलमानों के विरोध में। पृथ्वीराज कछावा की हत्या हुई। राजपूत कॉन्फेडरेशन सांगा की हत्या के बाद छिन्न भिन्न हो गया। मेवाड़ के राजघराने में गृह युद्ध छिड़ गया। वो विक्रमादित्य और वो जो राजा थे वहां पर, वो छोटे छोटे बिल्कुल महारानी कर्मावती जो सांगा की विधवा थी, उनका मोह था इतना अंधा अपने बच्चों में, वो सारा वहां पर अराजकता चली। फिर वो उदय सिंह जी वो बचा के निकलती है पन्नाधाय, वो एक बड़ा लंबा, उस वक्त मुसलमानों से पंगा लेना ही तो किसी को सूझ ही नहीं रहा था। दूसरा साका हुआ जिसमें 35,000 हमारे राजपूत मारे गए, 20,000 स्त्रियां कर्मावती के नेतृत्व में जौहर करती हैं जब बहादुर शाह गुजरात का हमला करता है उनके ऊपर। तो हमारा वो जो कालखंड है सांगा की हत्या के बाद, तो राजपूत कॉन्फेडरेशन पूरा तहस नहस हो चुका था। तो उस गिवन परिस्थिति में भारमल ने मुसलमानों के साथ ये सोचकर समझौता किया, क्योंकि जयपुर के पास मेवाड़ की तरह अरावली की पर्वतमालाएं नहीं हैं जो उनकी सुरक्षा कर सकें। तो तोपें भी नहीं थी हमारे पास। खानवा के युद्ध में जो सबसे बड़ी हानि हिंदुओं की हुई थी वो तोपों के कारण हुई। हमारे तो घोड़े और हाथी पलट के हमारे ऊपर ही आ पड़े, क्योंकि तोपों का हमें आइडिया ही नहीं था। अब जो हत्यारा समाज होता है वो उनको ईजाद करता रहता है, जो विकसित समाज होता है वो बिल्डिंगें बनाता है, वो कविताएं लिखता है, वो अब मारने के हथियार क्यों बनाएगा? लेकिन इनका काम ही ये था। तो जयपुर के पास मुसलमानों के साथ एक अस्थाई समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना ये यहां पर इस्लामाइजेशन होता। तो फिर मानसिंह जी अपने दादा के वचन से बंधे हुए थे। मेरा मानना है, मैंने सिद्ध भी करने का प्रयास किया है, कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जब पूरी तरह से घायल हो चुके थे, चेतक घायल हो चुका था, अगर मानसिंह जी चाहते और उनका 2-4 किलोमीटर भी पीछा करते तो प्रताप को हानि पहुंचा सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रताप को निकलने दिया। कहीं हृदय में उनके थी कि हाँ प्रताप जीवित रहे। हल्दी घाटी के 1576 के युद्ध के बाद 1578 में मोही का युद्ध होता है। मोही के युद्ध में भाटी राजपूतों के साथ मिलकर प्रताप ने मुजाहिद बेग नाम के मुसलमान के साथ 3,000 मुसलमानों का वध किया। मुजाहिद बेग गया और उसने सहायता मांगी, उसने हरकारा भेजा मानसिंह जी के पास। 20 मील दूर थे मानसिंह जी। मानसिंह जी हरकारे को मरवा दिया और उसकी तरफ पीट करके जंगल की तरफ चले गए। कम से कम आधा दर्जन ऐसे अवसर आते हैं जहां पर मानसिंह जी मेवाड़ की सेना की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करते हैं। प्रताप के मोक्ष के बाद उनके बेटे अमर सिंह जी पर 1605 तक, 5 वर्षों तक मानसिंह जी अटैक नहीं करते, जबकि अकबर उनको बुला के कहता है कि आप सलीम के, उनका जो बेटा जहांगीर था उसके साथ मिलकर संघर्ष। सलीम अय्याश था, शराबें पीता था, लड़कीबाजी करता था, मानसिंह जी ने उसको उसी में लगाए रखा। अजमेर से आगे इन लोग गए नहीं। अमर सिंह जी को समय मिल गया अपनी सेना को सुदृढ़ करने का। जितने घाट मानसिंह जी ने बनाए बनारस के अंदर, जितने मंदिर बनाए, वो कम उपकार है। कहीं भी मुगल सेना को, हिंदू गांवों को, हिंदू प्रजा को परेशान नहीं होने दिया। और मास्टर स्ट्रोक मानसिंह जी का अफगानिस्तान जाकर मुगलों को और अफगानों को लड़वाना, आप सोच नहीं सकते हैं। अगर अफगान यहां आ जाते और मुगलों के साथ संधि कर लेते, इस देश का इस्लामाइजेशन नहीं रुकता था भैया, रोक ही नहीं सकता। तो बड़ी बड़ी ताकतें, उनको आपस में लड़वाया। मानसिंह जी केवल सेना नायक थे, 1000 कछावा राजपूत गए थे, बाकी सब मुगल सेना थी। मारो साले एक दूसरे को।
तो मानसिंह जी का तो उपकार मानना पड़ेगा हिंदू समाज को कि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में, बहुत विषम परिस्थितियों में हिंदू धर्म की रक्षा की और प्रताप के प्रति, मेवाड़ के प्रति उनके हृदय में प्रेम था। अंदर से वो मुसलमानों से घृणा करते थे, प्रकट रूप से बोल नहीं सकते थे और जयपुर के पूरे राजघराने को हम उस 150 वर्ष के कालखंड पर जज करते हैं, हम भूल जाते हैं कि उससे पहले के 850 वर्ष के अंदर जयपुर के राजपूतों ने किस तरह से, कछावा राजपूतों ने मेवाड़ के राजपूतों के कंधे से कंधा मिलकर मुसलमानों से युद्ध किया। और अंतिम बात, इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने के उपरांत भी मानसिंह जी को तो अकबर अपना बेटा कहता था, जयपुर के राजपूतों ने इस्लाम कभी स्वीकार नहीं किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप इस माफिया को नहीं जानते। ये लोग सतत उन पर, आप उनको कन्विंस करते रहते थे कि इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ। जयपुर के राजपूतों ने स्पष्ट मना कर दिया। तो जयपुर के राजपूतों के चरण धोकर उनका चरणामृत पीना चाहिए हम। ये तीन राजपूत, जयपुर के कछावा, जोधपुर के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदिया, इनमें शिखर पर सिसोदिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व दिया, उन्होंने ही वो भाले तीर अपनी छाती पर खाए, उन्होंने ही हमारे हिंदू समाज को नेतृत्व दिया। लेकिन राठौड़ों का और कछावों का योगदान भी कम नहीं है, और सबका, खींची, परिहार, परमार, राजपूत, गौड़ राजपूत, छोटे मोटे जो जितने भी राजघराने थे, शेखावत, सभी ने लड़, सब लड़, कोई किसी ने राजपूतों ने हमें नीचा नहीं दिखाया। और उस यशोगान को हमें बिना संकोच के सब प्रमाण गाना चाहिए।